हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका गार्डन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो तुलसी प्लांट के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि तुलसी प्लांट आप सबके पास ज़रूर होगा, क्योंकि हर कोई इसे अपने घर में लगाना पसंद करता है। फ्रेंड्स, तुलसी के प्लांट को कटिंग से और सीड से दोनों से ग्रो किया जा सकता है। मैं इस वीडियो में आपको इसे कटिंग से ग्रो करना बताऊँगी। इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ कटिंग लेनी होंगी। देखिए, ये मैंने पहले से ही कुछ कटिंग्स ले रखी हैं। मेरे पास ऐसे तो बहुत सारे तुलसी के प्लांट हैं, उनमें से ही मैंने एक प्लांट से ये ले ली है। तो मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये कटिंग्स कैसी लेनी है और कैसी नहीं लेनी है। आइए देखते हैं। ये देखिए, जैसे ये एक ब्रांच है तो ये ग्रीन कलर की है, तो ये अभी थोड़ी कच्ची है। हमें क्या चाहिए, थोड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांच चाहिए, ब्राउन कलर की। ये देखिए, जिसमें से ये ग्रीन कलर की ब्रांच निकल रही है ना, ऐसी ब्राउन कलर की स्टेम चाहिए, क्योंकि इन ब्राउन कलर की जो स्ट्रॉन्ग ब्रांच हैं, इनके सड़ने का कम खतरा होता है, इसलिए ये मैंने ली हैं। अच्छा, ये कटिंग्स तो मैंने मतलब ग्रीन तुलसी की ली हैं, इसके अलावा मैं ब्लैक तुलसी की भी कुछ कटिंग्स लगाऊंगी। और कटिंग्स के साथ ही मैंने ये मिट्टी भी पहले से ही प्रिपेयर कर ली है। हमारे यहाँ पर जो सॉइल मिलती है वो पीले रंग की मिलती है, तो उसको मैंने कम से कम 70% मिट्टी मतलब सॉइल और 20% सैंड एंड 10% काओ मैनवर मिक्स करके तैयार किया है। इस तरह ये मिट्टी पूरी तरह से ड्रेन्ड सॉइल हो गई है, मतलब इसमें पानी ज़्यादा देर ऊपर नहीं रुकेगा। कटिंग्स को सॉइल में लगाने से पहले हमें उन्हें प्रिपेयर करना होगा। चलिए कटिंग्स को रेडी करते हैं। ये मैंने इसमें कई कटिंग्स ले ली हैं, ब्लैक तुलसी की भी कटिंग्स ले ली हैं, तो सबको एक एक करके रेडी करेंगे। जैसे ये ग्रीन तुलसी की है, तो हमें ऊपर से जो ग्रीन पार्ट है इसका रिमूव कर देंगे और जो ब्राउन पार्ट है उसको ही रखेंगे बस। अच्छा, कटिंग्स 4-5 इंच से लेके 6-7 इंच तक हो सकती है, मतलब ले सकते हैं आप। जैसे ये ब्लैक तुलसी वाली है, ये काफ़ी बड़ी है, इसको बस मैं थोड़ा सा नीचे से कट करूँगी, बाकी ये रेडी है पूरी तरीके से। ये देखिए, इसी तरीके से हम एक एक कटिंग को रेडी कर लेंगे। जैसे मैंने ये 6-7 कटिंग्स रेडी कर ली हैं, मतलब ऊपर और नीचे से जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कट कर दिया है। अच्छा, तुलसी की कटिंग्स को लगाने का कोई बहुत स्पेशल तरीका नहीं है, जैसे हम बाकी प्लांट्स की कटिंग्स लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है। पर हाँ, सीजन ज़रूर स्पेशल है, इसकी कटिंग्स रेनी सीजन में बहुत अच्छे से चलती हैं। तो एक गमला मतलब मैंने पॉट और भी तैयार किया हुआ है, क्योंकि दो टाइप की तुलसी हैं तो मैं अलग अलग पॉट में लगाऊंगी। जैसे ये ब्लैक कलर की है, तो कम से कम 3 या 4 कटिंग्स एक गमले में लगाऊंगी, अगर एक आध मर भी जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस 1.5 से 2 इंच तक हमें मिट्टी में इसको अंदर करना है। अब ग्रीन तुलसी की कटिंग लगाएंगे। सेम मेथड से सारी कटिंग्स लगानी है। अच्छा, कटिंग्स तो हमारी लग गई, बस अब हम इन्हें पानी और देंगे। पानी इन्हें अच्छे से देंगे और इतना देंगे कि मतलब मिट्टी पूरी नीचे तक गीली हो जाए, क्योंकि ये छोटा गमला है तो मैंने इसमें थोड़ा डाला है, और ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। इसी से मिट्टी नीचे तक गीली हो जाएगी और कटिंग सेट हो जाएंगी।
इन पॉट्स को अब हम 4-5 दिन के लिए ऐसी जगह रखेंगे जहाँ केवल डे लाइट आती हो। उसके बाद ऐसी प्लेस पर रखेंगे जहाँ हर रोज़ 3 से 4 घंटे की सनलाइट मिल सके। चलिए मैं अब आपको एक रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि मैंने जो पहले कटिंग्स लगाई हुई थी वो कैसी ग्रो हुई हैं। ये देखिए, ये मैंने हरी तुलसी की कुछ कटिंग्स लगाई थी, उनमें से शायद ये 2 कटिंग्स ग्रो हो गई हैं। ये मैंने जून के महीने में लगाई थी, देखिए अभी मतलब काफ़ी हरी भरी हो गई है, ये देखिए। पर जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ रही थी तो उसमें से कुछ कटिंग्स मर भी गई हैं। देखिए 2 कटिंग्स कम से कम सूख गई थी ये। पर अभी जो रेनी सीजन में कटिंग्स लगेंगी वो 100% रिजल्ट होता है उनका। तो तुलसी लगाने के लिए रेनी सीजन का जो वेदर है बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने तुलसी के प्लांट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसे कटिंग से ग्रो करके देखिए, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।